एक ऐसा औषधीय पेड़ जिसके एक पत्ते का सेवन आपको लाखों बीमारियों से बचाएगा। घर पर इस पौधे को ज़रूर लगाइए दोस्तों, खाने में भी इस्तेमाल करें और कई चीज़ों में लगाने में भी इस्तेमाल करें। कहाँ करना है इसका इस्तेमाल, सारी चीज़ें वीडियो में बताने वाली हूँ। औषधि गुणों से भरपूर ये जो पत्ते हैं आप देख रहे हैं, जिसे अभी हमने तोड़ा है दोस्तों, इसका तो सबके यहाँ छोटा पौधा होता है, मेरे यहाँ पूरा इसका पेड़ लगा है। इसकी डंडियों को तोड़ने में, शाखाओं को तोड़ने में मेरे हस्बैंड मेरी सहायता कर रहे हैं। तो ये है करी लीव्स दोस्तों, कढ़ी पत्ता जिसे हम लोग मीठा नीम कहते हैं, बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ है मेरे घर पर। और आज इसके औषधि गुण जानेंगे ना तो रोज खाना शुरू कर देंगे। इसकी एक डंडियों को रोज चबा चबा कर खाइए, आप चाहें तो पानी में उबाल कर लें। सारी चीजें वीडियो में शेयर करूंगी। वीडियो जरा भी पसंद आ जाए, थोड़ी भी इंफॉर्मेशन मेरे परिवार को अच्छी लगती है, तो आप लोग वीडियो को लाइक किया करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। करी लीव्स, कढ़ी पत्ता, मीठा नीम, कई नामों से इसे जाना जाता है। तो जल्दी से मेरा YouTube परिवार कमेंट करके बता दे कि आपके क्षेत्र में इन पत्तियों को किस नाम से पुकारा जाता है। मैंने तो तीन नाम बताए हैं, अगला नाम आप लोग बताइए, ताकि हम सबको करी लीव्स का, मीठे नीम का, कढ़ी पत्ते के और नए नए नाम के बारे में जानकारी हो सके। रोज के खाने में इसकी 4-5 पत्तियों का इस्तेमाल जरूर करें। आप हरे धनिया की चटनी बनाते हैं, चटनी में भी इसकी कुछ पत्तियों को डालें, ताकि कुछ पत्तियों को कच्ची खा सकें आप। औषधि गुण जान लीजिए कि क्या होता है इसमें। ढेर सारा विटामिन ई होता है, इसे खाने से त्वचा पर चमक आएगी, चेहरे पर मुहासे, एक्ने, फोड़े, फुंसी का होना बंद होगा, बालों का झड़ना बंद होगा। इसमें इतना विटामिन बी होता है, विटामिन ई होता है, करी लीव्स में ढेर सारा कैल्शियम होता है। अगर इसे पानी में उबालकर सुबह पिएंगे तो आप यकीन मानिए जोड़ों का दर्द, गठिया अर्थराइटिस से भी आपको राहत मिलेगी, क्योंकि इसमें ढेर सारे मिनरल होते हैं। कॉपर होता है, कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस होता है, ढेर सारा इसमें फाइबर्स होता है, मैग्नीशियम होता है। करी लीव्स जो होती हैं आयरन से भरपूर होती हैं, खून की कमी को दूर करता है इसका सेवन। इसका काढ़ा बनाने के लिए इन पत्तियों को पहले तो आप सबसे अच्छे से धो लीजिए। मैंने भी अभी पेड़ में से तोड़ कर लेकर आई हूँ, मैंने एक बार इसे अच्छी तरह से धो लिया है, पानी फेंक दिया है, फिर से साफ पानी डालकर अब गैस चालू किया है। 10 मिनट तक इसे पका लीजिए, उबाल लीजिए, जब तक अच्छा उबाल ना आ जाए। उसके छान कर एक कप करी लीव्स का इस काढ़े को जरूर पिए, इस टॉनिक को जरूर पीजिए, ब्लड प्रेशर की समस्या बिल्कुल दूर होगी। जिन्हें हाई बीपी है उन्हें भी मीठे नीम की पत्तियों के इस टॉनिक को ज़रूर पीना चाहिए। सेहत और सौंदर्य से जुड़ी हुई हैं करी लीव्स, इसमें ढेर सारे एमिनो एसिड्स होते हैं। हम लोग तो दाल में डालते हैं, सब्जी में डालती हूँ मैं, चटनी में डालती हूँ दोस्तों, हम लोग साउथ इंडियन डिश में भी इसे डालते हैं। रोज़ के खाने में इस्तेमाल करें, हमारे को दिल के रोग के खतरे से बचाता है, हमारे हार्ट को सुरक्षित रखता है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देती हैं। करी लीव्स इतनी ज़्यादा पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं, हमारे बॉडी को डिटॉक्स करता है करी लीव्स का सेवन, हमारे शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालती हैं और साथ ही साथ हमारे शरीर को बनाती हैं स्वस्थ। सबसे खतरनाक माने जाने वाली बीमारी कैंसर, कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ने से रोकता है करी लीव्स का सेवन, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं, दिल के रोग के खतरे को टालती हैं, इसके अलावा चेहरे पर चमक लाती हैं, बालों का झड़ना बंद करती हैं, बहुत सारे इसके फायदे हैं दोस्तों, डायबिटीज़ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद हैं। मैं खुद इसकी एक डंडी है जो दिख रही है आपको, एक डंडी, पूरी एक डंडी की पत्ती निकालिए, धोइए और चबा चबा कर खा लीजिए। बहुत से लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हमारे यहाँ करी लीव्स का पौधा नहीं है, ना मिल रहा है, क्या करें। सब्जी की दुकान से इसकी पत्तियां भी मिलती हैं, सब्जी दुकान में आप वहां से इसकी पत्तियों को लाकर सुखा लें, ड्राई कर लें, सूख जाए तो ग्राइंड करके छान कर किसी एयर टाइट कंटेनर में करी लीव्स के पाउडर को स्टोर कर लें। रोज आधा चम्मच या एक छोटी चम्मच करी लीव्स के पाउडर को लीजिए, ऊपर से डालिए अच्छा गर्म पानी और सुबह उठकर पी लीजिए। वजन घटाना चाहते हैं, पेट बहुत ज़्यादा निकल चुका है, शरीर में जगह जगह फैट जम चुका है, बेली फैट को रिड्यूस करना चाहते हैं, तो करी लीव्स के इस टॉनिक को ज़रूर पीजिए, सुबह पीजिए, खाली पेट पीजिए।
किसी भी रेमेडी को जब हम खाली पेट लेते हैं तो उसका रिजल्ट हमें 100% मिलता है। ये इतनी ज़्यादा पावरफुल होती हैं, औषधि गुणों से भरपूर इन पत्तों का इस्तेमाल ज़रूर करें दोस्तों, इतनी ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होती है। आपके लीवर को सुरक्षित रखेंगी, लीवर को डैमेज होने से बचाती हैं करी लीव्स, हमारे आँखों की रोशनी को बढ़ाता है करी लीव्स का सेवन, इसलिए तो मैंने कहा रोज़ के खाने में इस्तेमाल करें। इसमें इतना ज़्यादा फाइबर होता है कि पेट से जुड़ी हुई सारी समस्याएं दूर होती हैं, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करती हैं, हाजमे को दुरुस्त करती हैं करी लीव्स। और जब हमारा हाजमा अच्छा होता है, मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है दोस्तों, तो अपने आप कई बीमारियां हमारे शरीर से दूर होती हैं, कब्ज़ की समस्या को दूर करती हैं, कॉन्स्टिपेशन को समाप्त करती हैं करी लीव्स। बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बाल उम्र से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, बालों को काला करना चाहते हैं, हेयर फॉल को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो एक मुट्ठी करी लीव्स को ग्राइंड कर लीजिए, पीस लीजिए, पीसने के बाद छान लीजिए। मैंने भी एक बड़ा कटोरा भर के करी लीव्स को पीस के छान लिया है, एक चम्मच नारियल का तेल मिलाया है और इस टॉनिक को, इस करी लीव्स के रस को कॉटन की सहायता से बालों की जड़ों पर लगाइए, आधे घंटे लगा कर रखिए, आधे घंटे के बाद हेयर वॉश कर लीजिए। जो रिजल्ट मिलेगा ना वो मेरे परिवार को खुश कर देगा, इतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती हैं, बालों को काला करती हैं, बालों को गिरने से बचाती हैं करी लीव्स। तो काढ़ा बना के लें, पाउडर को गर्म पानी में डाल कर लें, या गर्म पानी में एक चम्मच कढ़ी पत्ते का रस डाल के लें। कुछ नहीं कर पाते तो कच्ची करी लीव्स की एक डंडी को रोज चबा चबा कर खा लीजिए, ऊपर से हल्का गर्म पानी पी लीजिए, सारे रोग दूर होंगे दोस्तों, चेहरे पर आएगी चमक और शरीर होगा स्वस्थ। वीडियो को लाइक करें, शिकास किचन चैनल को सब्सक्राइब करें।